Justin Diamond, Alvin, let's go. Yeah. I'm in the whip with a thotty, looking like Sky Bree, she got a body, ayy. And she been calling me daddy lately, want me to put her in Cartier's. And the bitch deserve it, put in work for the money she earn it. Give me top every night, lip service, never gotta block these hoes, she worth it. I'm out in Abu Dhabi, with a bad bitch, look like Sky Bree, ooh. Right beside me, with a phantom off that molly, yeah. Abu Dhabi, with a bad bitch, look like... वीडियो को बनाने में हमारे साथ तामुन किया है हुसैन आटोज मुल्तान ने, जो कि चौक कुमारा वाला पर वाक्या है। 3S डीलरशिप का ये नेटवर्क, जहां पर आपको मिलती है सर्विस और मैकेनिकल इश्यूज की फैसिलिटी, साथ साथ आपको यहां पर सर्विस के साथ साथ जो ऑप्शन मिलती है, आपको यहां पर पार्ट्स की अवेलेबिलिटी भी मिल जाती है। ईच एंड एवरीथिंग, हर मॉडल के पार्ट्स यहां पर आपको मिल जाएंगे। उसके साथ साथ आफ्टर सेल सर्विसेज भी आपको दी जाती हैं। लाकर आप अपनी मर्जी की बाइक बुक करवा सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में इनकी डिटेल्स मौजूद हैं, आप जाकर चेकआउट कीजिएगा। और छा गया पाकिस्तान के अंदर गोल्ड के फुकदान को देखते हुए होंडा ने अपने गोल्ड लॉन्च कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, अब आपको देखने को मिलेगा होंडा की जानिब से गोल्ड एडिशन। CG125 सेल्फ स्टार्ट का गोल्ड एडिशन लॉन्च कर दिया गया है, जिसके ग्राफिक्स रेड कलर में और साथ साथ आपको जो है वो ब्लैक कलर में देखने को मिलेंगे। मुलाहिजा कर सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर, ये रेड कलर के जबरदस्त ग्राफिक्स जिसमें गोल्ड की जबरदस्त सी पट्टी दी गई है। आपको टैंकी के ऊपर बहुत ही स्टाइलिश सा गोल्ड पट्टी मिल जाती है, साथ साथ CG लिखा हुआ मिल जाता है और गोल्ड एडिशन भी लिखा हुआ मिल जाता है, जिसमें ब्लैक कोटिंग थोड़ी सी यूज की गई है। अगर बात कर ली जाए टापे की, जो कि पहले क्रोम में आता था, भाई कंप्लीटली गोल्ड कर दिया गया, और इतना गोल्ड कर दिया गया कि शीशे में आप मुझे भी देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही जबरदस्त तरीके से यहाँ पर इसके ग्राफिक्स डिजाइन किए गए हैं। रेड कलर में आप ग्राफिक्स अपनी स्क्रीन पर मुलायजा कर सकते हैं, और नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा भाई ग्राफिक्स आपको कैसे लगे हैं। रेड कलर के बहुत ही अमेजिंग ग्राफिक्स जो यहाँ पर कंपनी की जानिब से बनाए गए हैं। तो ओवरऑल एक बाइक का स्ट्रक्चर मुलायजा कर सकते हैं, बाइक का स्ट्रक्चर वही है जो आपको नॉर्मल CG125 और सेल्फ स्टार्ट में मिलता था, बट यहाँ पर जो अट्रैक्टिव चीज है वो ये है कि भाई गोल्ड ही गोल्ड कर दिया गया है। इस बाइक को चारों तरफ से गोल्ड से भर दिया गया है, और अब ये बाइक जो है वो एक आम बाइक नहीं रही बल्कि गोल्ड वाली बाइक बन चुकी है। यहाँ पर इसके दो कलर लॉन्च किए गए हैं, और कंपनी का मानना है कि इसके अंदर 77 तब्दीलियां भी की गई हैं। वो 77 तब्दीलियां क्या हैं आगे चल के मैं आपको वीडियो में बताने जा रहा हूँ, जिसमें से 42 तब्दीलियां इसकी बॉडी शेप में की गई हैं और 35 तब्दीलियां इसके इंजन के अंदर की गई हैं। हम बात करेंगे कुछ नुमाया चेंजेस के रिलेटेड, के नुमाया चेंजेस क्या क्या की गई हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर गोल्ड के साथ आपका ब्लैक कलर भी मौजूद है। जी हाँ दोस्तों, ब्लैक कलर भी देखने में बहुत ज्यादा अमेजिंग है, ना सिर्फ गोल्ड कलर बल्कि ब्लैक कलर भी मार्केट में छा चुका है। इतना ज्यादा ये मशहूर हो चुका है कि जिन लोगों ने अपनी बाइक्स बुक करवाई थी वो ट्रक से उतरने नहीं दे रहे बाइक्स, वो ट्रक से अपलोड यानी कि जैसे ही बाइक उतरती है भाई छीन कर भाग जाते हैं, बहुत ही मशहूर हो चुका है भाई ये कलर। तो गाइज आप लोगों को बताया चलो कि यहाँ पर आप फ्रंट की हेडलाइट देख सकते हैं, वो सिमिलर दी गई, लेकिन यहाँ पर जो एक और चीज चेंज की गई है वो इसके इंडिकेटर, घसे पीटे पुराने इंडिकेटर जिससे आवाम तंग आ चुकी थी, अब यहाँ पर आपको व्हाइट क्रिस्टल कलर के जो है वो गोल्ड के नहीं लेकिन क्रिस्टल कलर के जरूर दे दिए गए हैं। क्रिस्टल कलर के आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं अपने इंडिकेटर्स। नीचे भाई जो पट्टी दी गई है यानी कि मोनोग्राम जिसको चेंज किया गया था, सिल्वर देखने को मिली थी हमें नॉर्मल वाले मॉडल में, बस इसमें जो है वो ये भी गोल्ड की कर दी गई है। जी बाइक के अंदर चारों तरफ गोल्ड ही गोल्ड है भाई। सो गाइस यहाँ पर मूव करते हैं दूसरे मॉडल की जानिब, जो कि इसका ब्लैक एडिशन यानी कि ब्लैक का गोल्ड कलर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, जहां पर आपको टैंकी देखने को मिल जाती है ब्लैक कलर में, यहाँ पर आपको होंडा का मोनोग्राम देखने को मिल जाएगा, साथ ही ब्लैक के अंदर भी गोल्ड की पट्टी दे दी गई है जो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है यार। मैं आपको क्लोज करके दिखा रहा हूँ, आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं क्या रेड कलर ज्यादा अट्रैक कर रहा है या ब्लैक कलर। अगर मेरा पर्सनल फीडबैक लें तो मुझे इस मॉडल का ब्लैक कलर ज्यादा अट्रैक कर रहा है, क्योंकि ब्लैक पर गोल्ड ज्यादा उठ रहा है। इसके टॉपे मुलायजा कर सकते हैं, जी टॉपे इसके भी पूरे गोल्ड के कर दिए गए हैं भाई, बहुत अमेजिंग भाई, हर तरफ चारों तरफ गोल्ड कर दिया गया है। ना सिर्फ टॉपों तक महदूद रहा बल्कि एग्जॉस्ट के अंदर भी आपको गोल्ड कोटिंग देखने को मिल जाएगी, जो बहुत ही देखने में अमेजिंग है। ओवरऑल जो बुक का बाइक का लुक है वो बहुत चेंज हो चुका है, और बाइक देखने में काफी अमेजिंग लगती है। अगर बाइक के स्पेक्स को लेकर बात कर ली जाए तो स्पेक्स में कोई बड़ा अपग्रेड नहीं है, वही आपको सेल्फ स्टार्ट देखने को मिल जाता है, 5 गिलहरी सेट देखने को मिल जाता है, 1:4 CC वाला इंजन है जो कि ओवरहेड वेल टेक्नोलॉजी के साथ आता है। बट गाइस यहाँ पर जो इंजन के अंदर तब्दीलियां की गई हैं उससे क्या बेसिक चेंज आया बाइक के अंदर वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा,
बट फीडबैक के लिए अगर इसके हम ओवरऑल स्पेक्स की बात करें, वही 9.2 लीटर का फ्यूल टैंक देखने को मिल जाएगा आपको, और टायर्स वगैरह की क्वालिटी भी वही सिमिलर ही देखने को मिलेगी, वही सर्विस पैंथर के टायर आपको बाइक में मिलेंगे। कोई ज्यादा बड़ा अपग्रेड आपको ओवरऑल स्पेक्स के अंदर नजर नहीं आएगा, बट गाइज यहाँ पर इतनी छोटी छोटी चेंजेस की गई हैं जिसने इस बाइक को इस साल के लिए बहुत यूनिक मॉडल बना दिया है, और मार्केट में इसकी सेल बहुत ज्यादा हो रही है, शॉर्ट भी चल रहा है भाई। अगर बुक करवाना है हुसैन मोटर से बुक करवा लो जल्दी जाकर, वहां पर आप हमारे चैनल का रेफरेंस दे सकते हैं, इंशाल्लाह आपको बुकिंग भी दी जाएगी और आपको बाइक जल्दी भी दी जाएगी। सो गाइस यहां पर बात कर लें चेंजेस को लेकर, तो मैं आप लोगों को बता चलूं ये 42 और 35 चेंजेस का हकीकत क्या है। सबसे पहले तो चेंज हमें नजर आ रहा है वो ग्राफिक्स के अंदर नजर आ रहा है, आप देख रहे हैं कि टैंकी टापू पर पूरा गोल्ड कर दिया गया है। ना सिर्फ टैंकी टापू को महदूद रखा गया बल्कि एग्जॉस्ट के ऊपर भी गोल्ड कोटेड कर दी गई है। तो सबसे बड़ा जो चेंज हमें नजर आता है वो टैंकी टापू के ग्राफिक्स का नजर आता है और साथ साथ एग्जॉस्ट के ग्राफिक्स का नजर आता है, जिसमें ओवरऑल सारी चीजें गोल्ड के अंदर कन्वर्ट कर दी गई है। इसका एम्बलम जैसा मैंने बताया कि इसके एम्बलम के अंदर भी चेंज किया गया है, जो कि इसका मोनोग्राम आता था फ्रंट के ऊपर वो भी अब आपको गोल्ड में देखने को मिलता है, जो एक बहुत बड़ा अपग्रेड है जिसने बाइक की ओवरऑल लुक को जो है वो पहले से बेहतर बना दिया है। साथ साथ आप देख सकते हैं साइड कवर भी जो है वो पूरा गोल्ड का कर दिया गया है, पहले ये सिल्वर के अंदर आता था स्पेशल एडिशन के अंदर जो लॉन्च किया गया था, बट यहाँ पर गोल्ड मॉडल के अंदर ये भी आपको कंप्लीटली गोल्ड में देखने को मिलता है, जो बाइक को दूर से ही कैची बना देता है। और जैसे ही आप शोरूम में एंटर होते हैं किसी के पास इस बाइक को देखते हैं तो आप खींचे चले जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, साथ साथ जो है वो इसकी सीट्स भी चेंज कर दी गई हैं, इसकी सीट्स के अंदर बड़ा अपग्रेड किया गया है, सीट्स के अंदर जो है वो लेंथ और विड्थ को भी थोड़ा सा चेंज किया गया, और साथ साथ जो है आपको जो सीट्स हैं वो पहले से कंफर्टेबल देखने को मिलेंगी, और उसके अंदर जो है वो एक स्लिपरीनेस होती थी उसको भी खत्म कर दिया गया है। तो ये बहुत बड़ा अपग्रेड है सीट के रिलेटेड, आपको सीट्स में भी एक बड़ा अपग्रेड जो है इस बाइक में नजर आएगा। एग्जॉस्ट इसका गोल्ड का कर दिया गया, आप मुलायजा कर सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, यार ये एग्जॉस्ट का जो कॉन्सेप्ट है ये भी बहुत अच्छा निकाला है, मुझे पर्सनली काफी ज्यादा पसंद आया है। इस बाइक के अंदर जो है वो स्मूथनेस पहले के मुकाबले में काफी इंक्रीज हो चुकी है, यानी कि अब आप राइड करते हुए बाइक वाइब्रेट बहुत कम करेगा और बाइक बहुत जबरदस्त जो है स्मूथनेस प्रोवाइड करेगा। सीट्स का भी एक मुजाहरा आप अपनी स्क्रीन पर कर सकते हैं, देख सकते हैं सीट्स का डिजाइन बिल्कुल चेंज हो गया है, ना सिर्फ सीट का डिजाइन बल्कि मीटर का डिजाइन भी चेंज कर दिया गया है। मीटर के अंदर ये गोल्ड वाले एडिशन के अंदर थोड़ा सा अपग्रेड ये किया गया कि यहाँ भी गोल्ड का टच दे दिया गया है, तो ये बड़ी अमेजिंग चीज है कि चारों तरफ आपको गोल्ड ही गोल्ड नजर आ रहा है। तो गाइस बात करते हैं मजीद सस्पेंशन को लेकर, पहले के मुकाबले में सस्पेंशन बेहतर कर दी गई है, काफी हार्ड सस्पेंशन थी तो इस दफा कहा जा रहा है कि कंपनी की जानिब से सस्पेंशन को भी पहले से बेहतर बनाया गया है, जिसकी वजह से आपको एक्सपीरियंस जो है वो काफी बेहतर देखने को मिलेगा पहले मॉडल्स के मुकाबले में। उसके साथ साथ गाइस इस बाइक की जो टॉप स्पीड भी पहले से बेहतर देखने को मिलेगी, कंपनी यहाँ पर क्लेम कर रही है ये 125 तक का मीटर मार्कर देगा। अब नो डाउट ये चीज कितनी रियलिटी बेस्ड होगी ये आने वाला टाइम ही बताएगा जब हम यूजर रिव्यू लेकर आएंगे, और यहाँ पर कंपनी क्लेम कर रही है भाई ये 125 तक यानी कि मीटर को भी क्रॉस कर जाएगी, इतनी ज्यादा टॉप स्पीड देने वाली है। सो गाइस मजीद बात करें इस बाइक के रिलेटेड तो आप लोगों को बताते चलूं कि एवरेज भी इसकी बेहतर हो गई है, इस बाइक के अंदर आपको जब बेहतर एवरेज देखने को मिल जाएगी, साथ साथ आपको पिस्टन जो है वो इसमें इंक्रीज कर दिया गया, पिस्टन के इंक्रीज होने की वजह से यानी कि पिस्टन की लाइफ को बेहतर कर दिया गया है, जिससे आपको ओवरऑल इंजन की लाइफ जो है बेहतर देखने को मिलेगी। टॉर्क भी इसका बेहतर हो गया यानी कि इनिशियल पिकअप आपको बेहतर प्रोवाइड करेगा। उसके साथ साथ गाइस ब्रेकिंग भी पहले के मुकाबले में बेहतर बनाई गई है और ब्रेकिंग अब आपको बेहतर देखने को मिलने वाली है इस बाइक के अंदर, और साथ साथ जो है गाइस आपको साउंड जो है एग्जॉस्ट का वो काफी जबरदस्त निकल कर आ रहा है इस साल का, तो आप लोगों को इंशाल्लाह गोल्ड का मैं साउंड भी अभी जल्द आखिर में सुनाऊंगा, वो भी आप साउंड मुलायजा कर सकते हैं कि साउंड कैसा है। साथ साथ गाइस आप लोगों को बता चलूं कि इस बाइक के लॉन्च होने से होंडा की पॉपुलैरिटी में मजीद इजाफा हो चुका है, लोग बहुत तेजी से इस बाइक की तरफ भाग रहे हैं और बहुत ज्यादा बुकिंग हो रही है, बाइक शॉर्ट हो चुका है, शोरूम वाले बुक नहीं कर रहे क्योंकि गाइस यहां पर ये बाइक मार्केट में आते ही बहुत ज्यादा छा चुका है। जिन लोगों ने बुकिंग करवाई हुई थी मैं शोरूम पर गया तो वहां पर वो बुकिंग वाले फौरन से फौरन अपनी बाइक लेकर जा चुके थे, तो बहुत ज्यादा तेजी से इस बाइक की बुकिंग हो रही है, यही नजर आ रहा है अभी फिलहाल के लिए कि इस बाइक की पॉपुलरिटी बहुत ज्यादा हो रही है, लेकिन एक्चुअल में ये बाइक परफॉर्म कैसा करेगा वो आने वाला टाइम ही बताएगा। इंशाल्लाह हम जल्दी यूजर रिव्यू भी लेकर आएंगे कि एक्चुअल में ये बाइक कैसा परफॉर्म कर रहा है। गाइस उसके अलावा इसके गियर्स की जो पावर है उसको भी बेहतर कर दिया गया, यानी कि अब जो तीसरा चौथा गियर है और ओवरऑल जो गियर की कैपेसिटी है या गियर की जो कन्वर्जन है वो बेहतर हो गई है, और अब आपको गियर्स भी काफी स्मूथ देखने को मिल जाएंगे। प्राइस की बात कर ली जाए तो 282,900 रुपए का इसका सिंपल वाला मॉडल यानी कि स्पेशल एडिशन वाला मॉडल आ रहा है, और ये मॉडल जो कि गोल्ड एडिशन में आया है ये आपको 292,900 रुपए समथिंग का ऑफर किया जा रहा है, बट गाइस काफी शोरूम्स पर शॉर्ट चल रहा है और इसलिए आपको अवेलेबल भी नहीं है,
गाइज आपको ये बाइक फौरी चाहिए तो आप हुसैन ऑटोज पर अपना बाइक बुक करवा सकते हैं, और इंशाल्लाह अगर आप हमारे चैनल का रेफरेंस देंगे तो ये बाइक आपको बहुत जल्द से जल्द अवेलेबल करके दिया जाएगा। तो गाइज मूव करते हैं इस बाइक के साउंड की जानिब, तो आपको साउंड भी मुलायजा करवाते हैं, और आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको इस बाइक का साउंड कैसा लगा। लेकिन एक यहाँ पर आपको कॉम्प्लीमेंट्री चीज बताता चलूँ कि मैंने माइक का यूज किया था साउंड के लिए, तो माइक की वजह से थोड़ा सा आपको हवा का नॉइस भी सुनाई देगा। चीज को गाइस इग्नोर कीजिएगा, इंशाल्लाह अगले वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को स्पेसिफिक अलायदा भी जो है वो साउंड की वीडियो जरूर आपके लिए लेकर आऊंगा। ये जी हमारे पास स्पेशल एडिशन गोल्ड वाला अवेलेबल है, और अभी जो है इसका साउंड टेस्ट करने वाले हैं, तो स्टार्ट कर रहे हैं, तो अभी स्टार्ट हो गया, आप देख सकते हैं। तो गाइस कैसा लगा आपको ये ओवरऑल बाइक, और आपको यहाँ पर साउंड इसका कैसा लगा नीचे फीडबैक जरूर दीजिएगा, और इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर मैं आपको इसका नॉर्मल जो सेल्फ स्टार्ट वाला मॉडल आता है उसके साथ कंपैरिजन करेंगे, और सिंपल जो CG125 लॉन्च किया गया उसके साथ भी इसका कंपैरिजन किया जाएगा। उन वीडियोज के लिए इंतजार कीजिएगा, चैनल को कर लें सब्सक्राइब और वीडियो को कीजिए लाइक। दोनों बाइक में से आपको कलर कॉम्बिनेशन किसका ज्यादा अच्छा लगा, क्या रेड का या ब्लैक का, अपना फीडबैक देना ना भूलिए। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।